दोस्तों लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी का बेसिक लैपटॉप। काफी व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप प्रीमियम लैपटॉप्स की वीडियोस बनाते रहते हैं, प्रीमियम लैपटॉप्स को अनबॉक्स करते हैं, तो आप बेसिक लैपटॉप्स को भी एक अनबॉक्स करिए, उसकी वीडियो बनाइए। तो फिलहाल ही में एचपी ने एक लैपटॉप को लॉन्च किया सेलुलर प्रोसेसर के साथ। आज हम उस लैपटॉप की वीडियो बनाएंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे और उसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आज हम जिस लैपटॉप को अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है एचपी का FQ3066TU लैपटॉप। ये सेलोन एन प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। N4500 8GB रैम है, 512GB SSD है और 15.6 इंच की स्क्रीन है। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसकी कॉन्फिगरेशन देखेंगे और बैक पैनल भी ओपन करके देखेंगे और इसकी प्राइसिंग भी जानना चाहेंगे कि प्राइसिंग क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है। एज यूजुअल हर लैपटॉप में जैसे पावर केबल और अडैप्टर आता है, अगर हम पावर केबल देखिए, प्रीमियम पावर केबल है और 65 वाट का अडैप्टर मैनुअल। ये है हमारा लैपटॉप। देखिए बेसिक लैपटॉप है, फाइबर बॉडी के अंदर एचपी ने लॉन्च किया है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो फाइबर बॉडी के अकॉर्डिंग काफी बेटर है। अगर हम बैक पैनल में देखेंगे तो पहले भी जितने भी 15S लैपटॉप आ रहे थे, सेलोन का या क्वाड कोर का या i3 का, तो अगर मैं बॉडी की बात करूंगा तो एज इट इज वही बॉडी में एचपी एक बेसिक लैपटॉप लेके आया है। अगर मैं इसको एक हाथ से ओपन करके देखना चाहूं तो ओपन नहीं होगा एक हाथ से। लैपटॉप के राइट साइड में देखेंगे तो आपको सबसे पहला पोर्ट जो दिखाई देता है वो है चार्जिंग के लिए, चार्जिंग पोर्ट, लैपटॉप आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और फिर दो पोर्ट आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो यूएसबी है, यूएसबी आपके सुपर स्पीड लैपटॉप डाटा ट्रांसफर या एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है HDMI आपका LED टीवी या प्रोजेक्टर कनेक्ट करने के लिए। दूसरा पोर्ट है टाइप सी, लैपटॉप आप चार्ज नहीं कर सकते लेकिन डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा 3.5 mm का ऑडियो जैक आपका हेडफोन या एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, और साथ में है आपका SD कार्ड रीडर आपके कार्ड रीड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे प्रोसेसर की तो देखिए सबसे पहले प्रोसेसर है इसमें सेलरॉन N4500। अगर इसकी बेस स्पीड की बात करेंगे तो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस स्पीड है और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बूस्ट अप होके ये जाएगा 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। अगर हम कोर्स की बात करेंगे तो 2 कोर्स हैं इसके अंदर और अगर L3 कैशे की बात करते हैं तो 4 MB। देखिए प्रोसेसर बहुत हैवी नहीं है, बेसिक प्रोसेसर है, इंटेल का बेसिक प्रोसेसर है इनिशियल लेवल का। अगर आप इससे उम्मीद करेंगे हैवी वर्क की तो वो इसमें नहीं होगी, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मेमोरी की बात करेंगे तो 8GB की रैम है, स्पीड 2933, 8GB DDR4 इसमें आपको मिलती है, 2 स्लॉट्स हैं, एक यूज्ड है और एक अभी बैलेंस है। SSD की बात करेंगे तो क्योसिया की 512GB की SSD आपको मिलती है जिसकी कैपेसिटी 477GB है। वाईफाई की बात करेंगे तो रियलटेक का 8822CE इसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है जो 5G को सपोर्ट करता है। और GPU की बात करते हैं तो इंटेल USD ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है जिसकी अपनी डेडिकेटेड मेमोरी कोई भी नहीं होती, शेयर्ड GPU होती है 3.9GB और अपनी कोई नहीं है। जो आप आवाज अभी कॉन्फ़िगरेशन के समय में सुन रहे थे वो आवाज हमने इसी लैपटॉप से रिकॉर्ड करी है। इस लैपटॉप से रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि हम इस लैपटॉप के माइक को भी टेस्ट कर सके जिससे आपको पता चल जाए कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। इसमें आपको 15.6 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 आपको मिल जाएगा। माइक्रो एज डिस्प्ले, ब्राइट व्यू और 250 निट्स के साथ 45% NTSC आपको इसका डिस्प्ले मिलता है। इसमें फुल HD स्क्रीन नहीं है, ये लैपटॉप को लेते हुए जरूर ध्यान रखिएगा। HP इसमें आपको ट्रू विजन 720p HD कैमरा विद इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ देता है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और देखते हैं लैपटॉप के अंदर कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या लगे हुए हैं और अब हम अपग्रेड क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। देखिए आप देखते ही आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसमें फैन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए सेलरॉन प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा हीट नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं होता है इंटेल सेलरॉन।
अगर मैं ये कहूंगा यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा हुआ है और हीट सिंक के थ्रू ही ये कूल रहता है। आपको यहाँ SSD भी नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं बता दूं इसके नीचे SSD लगी हुई है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको SSD दिखाई दे जाएगी। यहाँ आपकी RAM लगी हुई है, यहाँ पे आपका Wi-Fi है। अगर मैं बात करूं बैटरी की तो ये आपकी 3 सेल की बैटरी है 41 वर्क आवर्स के साथ। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि हमें दूसरा स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो हमने उसमें रैम के 2 स्लॉट देखे थे, यहाँ पे अभी रैम का 1 है। हम इससे ज्यादा ओपन अभी नहीं करेंगे, ब्रांड न्यू लैपटॉप है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये जानकारी लेने की इसकी दूसरा रैम का स्लॉट्स कहाँ है। देखिए आज हमने लैपटॉप को अनबॉक्स किया, HP के FQ3066TU लैपटॉप को। देखिए ये HP का एक स्टार्टिंग रेंज का लैपटॉप है। हमारे व्यूअर्स की काफी डिमांड थी कि आप एक बेसिक लैपटॉप की भी वीडियो अनबॉक्स वीडियो बनाएं, लैपटॉप को अनबॉक्स करें और उसको बैक पैनल ओपन करके भी दिखाएं। तो अभी फिलहाल में लॉन्च किया और हमने ये लैपटॉप आपके लिए ले आए। देखिए मैं आपको बता दूं इसकी स्पेसिफिकेशन वो बहुत बेसिक है। सेलोन प्रोसेसर है N4500 RGB 512 GB के साथ। ये आपकी वर्किंग में अगर आप लेना चाहेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन जो 8th क्लास से नीचे होंगे उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें वो अपनी स्कूल के वर्क कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों पे ही वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ अगर आपने बिजनेस मैन है और आपने अगर अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी लेना है तो आप उसके लिए भी इस लैपटॉप को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि एटलीस्ट i3 या Ryzen 3 को ऑप्ट करें। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपने जूम मीट करनी है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है उसके लिए। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। HP ने इसका प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन रखा है, आपको मार्केट में ये 30,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। देखिए अभी इस रेंज के अंदर लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं है, पीछे भी क्वाड कोर और सेलोन लॉन्च किए थे, काफी कंपनी डेल में तो अभी कोई मॉडल आ ही नहीं रहा है इस रेंज के अंदर। HP ने लॉन्च किया था पहले भी, लेकिन उसके अंदर 256 GB की SSD, तो काफी लोगों की डिमांड थी कि हमें स्पेस के लिए थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दी जाए, तो HP ने 512 GB SSD के साथ लैपटॉप को लॉन्च करा है और मार्केट में इसकी अभी भी काफी डिमांड है। क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप भी देखेंगे तो वो भी मार्केट के अंदर 15,000 या 20,000 के अप्रॉक्स मिलते हैं, और अगर हम i3 लेने जाएंगे तो वो 10,000 to 15,000 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाते हैं। अगर आप आज से 3 या 4 साल पहले का i3 भी लेंगे तो उसकी स्पीड भी इससे ज्यादा बेटर नहीं होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनका बजट सेकेंड हैंड लैपटॉप के अकॉर्डिंग है, जो 15 से 20 हजार के आसपास का लैपटॉप देख रहे हैं, वो ये लैपटॉप ऑप्ट कर सकते हैं। HP इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी देता है, आप वारंटी भी अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो आप जरूर पूछेंगे कि आप इसकी वारंटी कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ यहां तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे भी हम ऐसी नई नई लैपटॉप की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लैपटॉप लेके आके बैक पैनल ओपन करना सब कुछ आपके लिए करते हैं। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारी हिम्मत बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।